तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहली सेट ऑफ वीडियोस हमारी मिल गई होंगी, जहां पर आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो गई है कि हमारे प्लान्स क्या हैं, एक मैथ्स की वीडियो गई है जो पॉलिनोमियल्स का पार्ट वन है क्लास नाइन के लिए, एक फिजिक्स की वीडियो गई है और एक बायोलॉजी की वीडियो गई है। वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स दैट वी हैव बीन गेटिंग। लेकिन उम्मीद यही है कि यूट्यूब की दुनिया में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखा पाए वो हमारे लिए उतना एनकरेजिंग और उतना बेहतर रहेगा, एंड विल कीप अस मोटिवेटेड। लेकिन थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी व्यू दैट हैज़ बीन कमिंग फॉर द पास्ट फ्यू वीडियोस। और उसी सीरीज ऑफ वीडियोज़ में, उसी श्रृंखला में, मैं समर्थ आज पॉलिनोमियल्स के पार्ट टू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन ये वीडियो आपके पास जा रही होगी वो दिन आपकी छुट्टी का दिन होगा। तो अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए, लीजिए एक पानी की बोतल, रखिए साइड में, एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत सारे सवाल। पिछली वीडियो जो पॉलिनोमियल्स की थी वो ज़्यादा थियोरेटिकल थी, जहाँ मैंने आपको थोड़ा बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया, मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल ग्राफिकली कैसा दिखता है, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स सीखा, और फिर आखिरी स्लाइड पे हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे कुछ सवाल किए थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज मैथमेटिकल टॉपिक ज्यादा है जहां पर हम बहुत सारे सवाल लगाएंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। प्लीज फोकस से, क्योंकि सवाल आज बहुत ज्यादा है, सवाल है इंपॉर्टेंट क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड फॉर टुडे, दैट्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले मुझे याद है, मुझे उम्मीद है जितने लोगों ने वीडियो देखी होगी उनके लिए मैंने पिछली बार एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ये आपको बतानी है। आप बेशक जहां से भी ढूंढ कर ला सकते हैं वो लाइए, किताबों में ढूंढिए, गूगल पे ढूंढिए, एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज। क्योंकि जीरो डिग्री पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में मैंने फर्क बहुत स्पेसिफिकली पिछले वीडियो में बताया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए, बायो में पिछले वीडियो का लिंक होगा आपके पास जब ये वीडियो आपके पास जा रही होगी, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको यहां से इरेज कर दूंगा, फॉर जस्ट टू इलस्ट्रेट व्हाट जीरो पॉलिनोमियल इज। जब मैंने आपसे पिछली बार पूछा था कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई टर्म, द टर्म इटसेल्फ व्हेन इट इज जीरो, इट इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल अगर है, टर्म जीरो है, तो मैं उसके साथ वेरिएबल की कोई भी पावर अटैच कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो एक्स टू द पावर 100 अटैच कर दूं, जीरो एक्स टू द पावर -3 अटैच कर दूं, तब भी कोई फर्क नहीं है। फर्क तब भी कोई नहीं है क्योंकि जीरो किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा वो जीरो ही बनाएगा। जीरो एक्स टू द पावर 1000 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारे जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक। अब आप मुझे बताइए, लेकिन पॉलिनोमियल की तो एक बहुत विशेष बात है कि पावर तो हो ही नहीं सकता नॉन होल नंबर, लेकिन यहां आ गया ना नेगेटिव इंटीजर। या आप जब आप किसी चीज के बारे में बहुत श्योर नहीं है कि मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं, ऐसे केस में आप कहते हैं कि द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, वी डो नॉट नो अबाउट इट व्हाट स्पेसिफिक डिग्री। अगर इसकी डिग्री बहुत बड़ी भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पता तो हो, हमें पता ही नहीं है। सो द आंसर इज दैट डिग्री ऑफ A zero polynomial is not defined. Zero polynomial is not defined. ये सवाल उम्मीद है, चूंकि आपके पेपर्स हो ही चुके होंगे स्कूल में, आपको ये ऑब्जेक्टिव में सवाल मिल गया होगा। जीरो ऑफ डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, उसमें एक ऑप्शन होता है एनी रियल नंबर, यही कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, एनी रियल नंबर, तो आपको ये नहीं मार्क करना है। भाई वैसे भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री रियल नंबर कैसे हो सकती है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री तो होल नंबर होगी ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगर आप लॉजिकल प्लेन पे भी सोचेंगे तो ये तो वैसे ही बात गलत होगी। तो ये था पिछली बार का आपके लिए सवाल, जिसका मैंने आपको आंसर बता दिया है, ठीक। नाउ व्हाट वी आर हेडिंग टू इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट स्लाइड ऑफ पार्ट टू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम पार्ट टू ऑफ द पॉलिनोमियल्स के पहले स्लाइड पर आ रहे हैं, ठीक। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से फिर बात शुरू होगी। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, फिर मैं कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, दो तीन सवाल, उससे बाद बहुत गिरे, बहुत बहुत बेसिक सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कि जब मैं कोई पॉलिनोमियल लिखता हूं तो वो किसी वेरिएबल में होता है। सो फॉर एनी पॉलिनोमियल से पी एक्स,
फॉर एनी पॉलिनोमियल पी एक्स इट्स वैल्यू एट से एक्स इज इक्वल टू ए, इट्स वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए जिसको हम लोग लिखते हैं दैट इज ऐसे लिखते हैं पी ए, ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज फाइंड आउट बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू ए इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. जहां जहां एक्स आ रहा है आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वहां आप एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर दीजिए. पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ठीक, जहां जहां आपके वीडियो में एक्स इज इक्वल टू ए आ रहा है वहां वहां पुट कर लीजिए. एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से आपके पास एक पॉलिनोमियल है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3. अब आपसे मैंने पूछा कि इसकी वैल्यू आप पी ए एक्स इज इक्वल टू ए पे निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको ए की वैल्यू पुट कर देनी है. ये ए कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनी वैल्यू, दिस कैन बी एनी वैल्यू ठीक. कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल इन दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. ये आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाती है. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीरो वगैरह निकाल रहे हैं, तो अब यहीं से बात शुरू हो रही है. दो सवाल मैं आपके लिए लेकर आया, आई होप दो सवाल है जहां पर हम लोग सवालों के साथ शुरू करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 1. 20 सेकंड है आपके पास, लगाइए लगाइए सवाल. 20 सेकंड है आपके पास, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर किसी को ढंग से सवाल दिख ना रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूं, आपका पॉलिनोमियल पी एक्स है 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2. सवाल लगाइए, छोड़िएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि बाद में कर लेंगे, लेट समर्थ सर डू इट. समर्थ सर तो कर ही देंगे, लेकिन आप भी एक बार हाथ चला लीजिए क्योंकि सवाल में कुछ है नहीं. एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1. या तो आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है या तो आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है जैसे नीचे दिए हो. मैं दोनों टाइप इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूं ठीक. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस. सो आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से कई लोगों ने कर लिया होगा, आपको करना कुछ नहीं है, आपको पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 डाल देना है. सो दिस इज इवेंचुअली पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2. उठाइए डालिए, 1 क्यूब 1 तो 8 इंटू 1 8, 1 स्क्वायर 1 6 प्लस 2, 8 प्लस 2 10 माइनस 6 दैट्स इवेंचुअली 4. तो आपके इस पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन वैल्यू हो गई 4 ठीक. बहुत सिंपल सा है, कुछ तो है नहीं, तो बच्चों का काम है, ये तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे, आप लोग तो फिर भी काफी बड़े हैं. चलिए अगला क्वेश्चन. इफ पी एक्स इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फाइंड पी ऑफ माइनस 1 ठीक. इसमें दिया था फाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें आपको दे दिया फाइंड पी ऑफ माइनस 1. मतलब इसका यही है दैट फाइंड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आप अपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए. चलिए साथ करिए मेरे, लेट्स डू इट टुगेदर. पॉलिनोमियल 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ठीक. आइए हम देखते हैं, पी ऑफ माइनस 1 हमको निकालना है. 6 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2. जब एक्सप्रेशन में बहुत सारे पावर्स हो, बहुत बार वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा हो विद डिफरेंट पावर्स, और आपको एक नेगेटिव वैल्यू पर अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ध्यान से करिएगा प्लीज ठीक. पावर्स की गलती मत करिएगा, बहुत लोग करते हैं इसीलिए मैं कर रहा हूं. माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, इसीलिए मैं पूरा लिख रहा हूं आपके लिए. माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 इंटू माइनस 1, चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूं, प्लस 2 ठीक. 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 5 इंटू 1 प्लस 5, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2. अरे वाह, दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरे ख्याल से 5 3 8 8 माइनस 6 प्लस 10, द आंसर इज 4. एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, माइनस 1 पे वैल्यू निकालनी है. 6 ऑफ माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 5 ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2, 6 इंटू माइनस 1, 5 इंटू 1
माइनस थ्री इंटू माइनस वन एंड प्लस टू, ठीक। या आप गलती मत समझिएगा, एक सेकेंड, फाइव इंटू वन हो गया था, माइनस थ्री इंटू माइनस वन, ठीक, प्लस टू, तो माइनस सिक्स प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस टू, माइनस सिक्स प्लस टेन, फोर। ये है आपके लिए दो सवाल, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल और ले लूं रूट वगैरह में, तो अगर आप थोड़ा आपको लग रहा हो ये बड़े सीधे सवाल है, लेकिन सवाल पॉलिनोमियल पे ऐसे ही आएंगे। लेट्स से रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस रूट टू, आई गेस दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक ठीक। मान लीजिए आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ वन, पुट करिए रूट टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस टू रूट टू इंटू वन प्लस रूट टू, ठीक, वन का स्क्वायर वन, तो रूट टू इंटू वन रूट टू, टू रूट टू इंटू वन माइनस टू रूट टू प्लस रूट टू, क्योंकि आपके पास इरेशनल नंबर्स के साथ भी आ सकते हैं, ठीक, रूट टू प्लस रूट टू वुड बी टू रूट टू माइनस टू रूट टू, नथ इवेंचुअली दोनों कट के इवेंचुअली जीरो हो जाएगा, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है, ठीक। किसी भी वैल्यू पे आ सकती है, फ्रैक्शन पे भी आ सकती है, तो ध्यान से करिएगा, थ्री बाई टू पे भी ये पूछ सकता था, वन बाई टू पे भी पूछ सकता था, ये सवाल तो आप लगा लेंगे, एनसीईआरटी में से बहुत सवाल है, अभी मैं आपको एनसीईआरटी के सवाल भी विल गेट टू सी व्हाट वी कैन डू, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वाला। अब यहां से आपके चैप्टर का बहुत मेन हिस्सा शुरू हो रहा है, ठीक। हम सब चैप्टर के जिस प्लेन पे आगे बढ़ रहे हैं और जो आज मैं कोशिश करूंगा खत्म कर लूं, वो यही हिस्से हैं जहां जीरो से बात शुरू हो रही है, ठीक। मैंने तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है, दैट इज जीरोस, आई हैव यूज्ड थ्री वर्ड्स, दैट इज जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन। मैंने जानबूझ के तीनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आपसे सवाल किसी भी शब्द के साथ फॉर्म किया जा सकता है, आपके लिए इस टॉपिक से सवाल किसी भी शब्द के साथ फॉर्म किया था, फाइंड द जीरो ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक। लेट्स फर्स्ट स्टडी, जो डेफिनेशन लिखी हुई है अंग्रेजी भाषा में, जो डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर अ पॉलिनोमियल देयर कुड बी सम वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल विल बी जीरो, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, समटाइम्स देयर ऑल्सो रिफर्ड एज द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल और सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यूज वेरिएबल की ऐसी होती हैं जहां पे पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स, फॉर विच द पॉलिनोमियल विल बी जीरो, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी जीरो, ठीक। दोज एक्स की वैल्यूज आर कॉल्ड जीरोज या रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। या मैं कहूं पॉलिनोमियल आपका वैनिश हो जाता है, या मैं कहूं पॉलिनोमियल वैनिशेस, पॉलिनोमियल खत्म, पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है, ठीक, खत्म हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो हो गई, वो खत्म हो जाता है, ठीक। सो दिस इज दिस। अब मैं आपको एक बहुत, अगले स्लाइड पे हम आ रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने आपको डिग्री के बारे में ग्राफिकली बताया था ना, वैसे इसका मतलब यह है, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जा रही है, मतलब ग्राफिकली मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, व्हाट डज दिस मीन, ग्राफिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स, इसीलिए मैंने डिग्री में आपको ग्राफिकली बताया था, आर द पॉइंट्स वेयर द कर्व ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या है, जहां जहां पे भी आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जीरो हो जाएगा, ठीक। जिसका मतलब, अगर मैं इसको डिग्री से रिलेट कोरिलेट करने पे आऊं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है, दैट नंबर ऑफ जीरोस, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आएगी, दैट नंबर ऑफ जीरोस, और मैं बहुत स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल के लाया हूं,
कई बार आपको ये थोड़ा हायर क्लास में बताया जाता है, लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपका डिग्री वन है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी मतलब वो एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपका डिग्री दो है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज भी दो है, वो आपके पॉलिनोमियल को, वो आपके एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा। अगर आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो आपके एक्स एक्सिस को तीन बार काट रहा है, क्योंकि उसकी डिग्री तीन है, मतलब उसके नंबर ऑफ जीरोज भी तीन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। जो हम आगे भी फैक्टराइजेशन सीखेंगे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, उन सारी चीजों पे बात करेंगे, तो आपको पता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपको बात पता लग जानी चाहिए कि उसके नंबर ऑफ जीरोज दो ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री दो है, ठीक। सो दिस इज बेसिकली ग्राफिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर द कर्व ऑफ द पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस, व्हिच इवेंचुअली प्रूव दैट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चले बढ़िया। सवाल आपके पास चार, बहुत बेसिक सवाल, चारों पॉलिनोमियल आप देखिए। अच्छा, पहली बात, जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आ रहा हो तो आप सबसे पहली चीज देख, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा हो तो, और वो पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट का सवाल हो तो आप देख लीजिए वो पॉलिनोमियल है ही कि नहीं, ठीक। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर ये सारी बातें करने का मतलब ही नहीं है। हम भाई जीरो की बात, डिग्री की बात तभी करेंगे ना जब वो पॉलिनोमियल होगा। तो आपको ये देख लेना पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले पार्ट पे मैंने जानबूझकर सवाल ऐसे लेकर आया हूं जिसमें डिग्री वन है, मतलब ये सारे पॉलिनोमियल अगर आप देखेंगे इसमें डिग्री वन है, डिग्री वन है, डिग्री वन है, डिग्री वन है, ठीक। डिग्री वन है, डिग्री वन है, डिग्री वन है, डिग्री वन है, मतलब सारे पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिससे एक बात तय हो गई, पिछले स्लाइड पे लिखी है कि नंबर ऑफ जीरोस एक ही होंगे। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर, ठीक। अब निकालते कैसे, कैसे निकालते हैं जीरो, ठीक, कैसे निकालते हैं जीरो, कुछ नहीं करना है आपको। जिस भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को, पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, इक्वेट दैट पॉलिनोमियल टू जीरो, इक्वेट दैट पॉलिनोमियल टू जीरो, पॉलिनोमियल टू जीरो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। The value of x obtained is the zero of the polynomial. Equate that polynomial to zero, और जो भी x की value आपकी निकल कर आ रही वो आपका polynomial का zero हो जाएगा। पहला सवाल उठाते हैं, px is equal to x plus 2। आप मुझे बता दीजिए अगर आपको लग रहा है कि एक ही स्लाइड पे मैं बहुत सारी बातें लिख रहा हूँ और वो क्लमजी हो रहा है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, फिर मैं थोड़े कम ज्यादा स्पेसेस का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आई गेस ये सब कुछ बहुत क्लियरली विजिबल होगा आपके लिए। इक्वेट करिए, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट करिए, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू एक आएगी, माइनस टू, मतलब इसका जीरो है एक, दैट्स माइनस टू, ठीक। इसका जीरो है एक, दैट्स माइनस टू, उठाइए। और अब तो शायद समर्थ सर को करने की जरूरत ना पड़े, एक सेकेंड के भीतर, और एक सेकेंड के भीतर नहीं, बिना पेन उठाए आप बता सकते हैं। अगर आपका दिमाग उस तरीके से मैथमेटिकली काम करता है जहां आप चीजों को दिमाग में थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत बेसिक चीजों को, तो आप एक मिनट में ये सारे सवाल यूं ही देखकर बता सकते हैं। यही हमारी कोशिश है, इसी तरीके से आपको कोशिश कर रहे हैं पढ़ाएं कॉन्सेप्चुअल प्लेन पे, ताकि आप सवाल जिनमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है वो दिमाग में कर लें, ठीक। ऑब्जेक्टिव सवालों में आपका ये टाइम बचाएगा, लेकिन मैं आपके लिए कर देता हूं, पी एक्स को करिए जीरो से इक्वेट, 2x प्लस 1 को करिए 0 से इक्वेट, x की वैल्यू 2x बराबर माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, निकल कर आया 0, आपका माइनस 1 बाई 2 है, ठीक। पक्का, कोई दिक्कत, ठीक। इसका मतलब ये कहां काटेगा, x एक्सिस को माइनस 2 पे काटेगा, ये कहां काटेगा, x एक्सिस को माइनस 1 बाई 2 पे काटेगा। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं ना तो ये कुछ ऐसा काटेगा, ये माइनस टू पर, मैं आपको जानबूझकर ग्राफ के साथ बताते चला जाता हूं, ये आपको माइनस वन बाई टू पे काटेगा, ये आपके लिए माइनस वन बाई टू पे काट देगा, ठीक।
तो मैं आपको ग्राफिकली कई बार चीजें बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा कई कोरिलेशन पता लग जाए ना। ठीक, अगला सवाल बहुत सिंपल है। ठीक, 3x is equal to px को करिए 0 से इक्वेट, 3x बराबर 0, x is equal to 0 by 3। अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि 0 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 3 को 0 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा। बहुत बेसिक बात, छोटे बचपन में सीख जाते हैं, एनी नंबर 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज ऑलवेज 0, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 है। 0 मतलब अगर आप इसको कर्व के तौर पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको काटेगा ही ओरिजिन या जीरो पर। ठीक, ये आपके कर्व को काटेगा ही जीरो पर। ठीक, अगर आपको ग्राफिकल बात कंफ्यूजिंग लग रही होगी तो आप वो बात इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, लेकिन मैं बता इसलिए दे रहा हूं कि चूंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी के बिहाफ पे नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ हमें ओलंपियाड के सवाल भी तो क्रैक करने हैं, और अगर वो क्रैक करना है तो थोड़ा एनहांस्ड जानकारी आपके लिए जरूरी है। ठीक, आखिरी सवाल मैं जानबूझकर लेकर आया हूं एल्जेब्रिक लिटरल्स के टर्म्स में ही, ताकि आप बहुत कंफ्यूज ना हो। px को करिए 0 से इक्वेट, ठीक, cx plus d is equal to 0, cx is equal to उधर ले जाएंगे minus d और x की वैल्यू minus d by c, ठीक, where cx plus d c is equal to 0, c or d are real numbers। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात दे दी है, c is equal to 0, और अगर c 0 हो जाएगा तो आपकी x की वैल्यू माइनस डी बाई 0 आ जाएगी, जो कि नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी आप कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल का 0 एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन माइनस इंफिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो हम प्लॉट नहीं कर सकते ग्राफिकली। ठीक, तो अच्छा सवाल है। सी एक्स प्लस डी आपको अगर ये बात नहीं दी होती, अगर आपको ये c इज इक्वल टू 0 नहीं दिया होता तो आप आंसर किस तरीके से लिखते, आप लिखते दैट द 0 इज, आप लिखते दैट द 0 इज माइनस डी बाई सी वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये बात मैथ्स में समझ लीजिए कि आप हमेशा 0 जो है आपका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता मैथ्स, क्योंकि वो आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रहा, आप पता ही लगा पाएंगे वो क्या वैल्यू है। ठीक, तो आप जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन आ रहा हो आप हमेशा आंसर के साथ लिखेंगे दैट द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ये बात आप ख्याल रखिए। ठीक, आई गेस बात समझ आ गई होगी, सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ये आपके लिए मैं जानबूझकर सवाल लेकर आया हूं, आई उम्मीद है कि अगर आपको ये साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूं, राइट द इंटीग्रल जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक, अब आपके लिए दो सवाल है, px is equal to x minus 3 into x minus 7, ये एक quadratic polynomial है, क्योंकि जब इसको मैं expand कर दूंगा तो ये x square minus 10x plus 21 बन जाएगा, ये एक quadratic polynomial है, degree 2 है ना, degree 2 है कि नहीं है, अभी हम सीखेंगे आगे quadratic का कैसे zeros निकालते हैं, लेकिन आपको factorize करके वो दे दिया है, आपको इसने एक quadratic polynomial को factor के तौर पे लिख दिया है, और अब आपसे पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, डिग्री टू है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस टू है, नंबर ऑफ जीरोस टू है। ठीक, अब आपको प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, उठाइए पीएक्स, इक्वेट करिए जीरो से, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। सो लेट्स इक्वेट पीएक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस सेवन की वैल्यू जीरो के बराबर है, मतलब x माइनस थ्री भी जीरो है या x माइनस सेवन जीरो है, मतलब x की वैल्यू, भाई अगर दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कोई एक भी जीरो हो सकता है, दोनों भी जीरो हो सकता है, लेकिन एक को तो जीरो होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू या तो थ्री आ जाएगी या तो x की वैल्यू सेवन आ जाएगी, था ना आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, निकले आपके दो जीरोस, तो आप दो आपके जीरोस हैं थ्री और सेवन, आपके जीरोस है थ्री और सेवन। ठीक, ये अच्छा सवाल है, अगर आपके पास आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अरे दो फैक्टर दिख गया कैसे करें, मिड टर्म स्प्लिट करना नहीं आता, अभी तो पढ़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए जीरो ना, इक्वेट करिए, सिंपल सा तरीका है, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करिए और लिख दीजिए दोनों वैल्यू, बन जाएगी बात। ठीक, अगला सवाल उठा लेते हैं। ठीक, अगला सवाल अगर आपको ढंग से दिख नहीं रहा है तो पी एक्स है एक्स प्लस वन और थ्री एक्स प्लस टू। ठीक, करिए, लीजिए 20 सेकंड, करिए, कम ऑन, पिक अप द पेन एंड स्टार्ट डूइंग दिस, यू हैव गॉट 30 सेकंड्स।
10 सेकंड बीत गए, 20 सेकंड और है। अगर मैं आपको टाइम नहीं दूंगा तो आप करेंगे नहीं, और आप जब हाथ खुद नहीं चलाएंगे तो आपकी मैथ्स कभी नहीं अच्छी होगी। एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको चलाना है हाथ, ठीक, कुछ नहीं करना है, यही एकदम फॉलो करिए, उठाइए वैल्यू, बात बन जाएगी, ठीक। चले, आई गेस तकरीबन जो लोग देख रहे हैं उन सब लोगों ने कर लिया होगा। इक्वेट करते हैं, ठीक, या ठीक, यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी -1, यहां से x की वैल्यू निकल कर आएगी -2/3। फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते वक्त गलती मत करिएगा, बहुत सारे लोग करते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी होती है वो भी कई बार कर देते हैं, तो इससे आपके मैथ्स के अच्छे या बुरे होने का कोई ध्यान नहीं है, इट बेसिकली बताता है कि आपका फोकस कैसा है, ठीक। इससे कुछ नहीं तय होता किसी की मैथ्स अच्छी है किसी की मैथ्स खराब है, ये इससे नहीं तय होता, ठीक। कई बार लोग कहते हैं तुम्हारी मैथ्स तो बड़ी बेकार है, तुम ये फ्रैक्शन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ना, दिस इज द प्रॉब्लम, आपका फोकस हिला होता है, ठीक, कि आपने -2 के बजाय -3 उधर होगी। गलती पता क्या होती है इसमें, इसमें गलती लोग क्या करते हैं कि जब डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं कई बार लोग -3/2 लिख दे, हो सकती है गलती, मुझसे भी हो सकती है, हो सकता है पढ़ाते वक्त मुझसे कहीं हो जाए, ठीक, लेकिन ध्यान से, तो दो जीरोज हैं -1 और -2/3। फ्रैक्शन की वैल्यू का विशेष तौर पर निकालते वक्त एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये एक अलग तरीके का सवाल था जीरोज पर, ये है -2 के सवाल, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल आपके लिए लेकर आया गया है। ये सवाल आपके पास बोर्ड्स में स्कूल एग्जाम्स में आ सकता है, तो ये मत सोचिएगा किसी एनपीएससी का सवाल है, ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक। सवाल ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ 4y³ प्लस ky² -y -1 फाइंड के। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक। इस पॉलिनोमियल का नाम दिया qy, ठीक, इस पॉलिनोमियल का नाम आपको दिया हुआ qy। तो ये कह रहा है कि चूंकि आपको पता है भाई ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल। डिग्री कितनी है, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे ना, नंबर ऑफ जीरोस 3, ठीक। डिग्री कितनी है, 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। क्या जीरोस निकालने को बोला, नहीं, इसने आपको एक जीरो दे दिया है, आपसे अब पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में आपके पास एक अननोन है के, उस के की वैल्यू आपको निकालनी है, उस वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए कैसे निकालेंगे, यहां आपकी मैथ्स चेक होती है। कैसे आप अलग अलग कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर दिमाग में आप, अच्छा -1 0 है, ठीक है, अच्छा अगर -1 0 है मतलब -1 पर मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जा रही है तो क्या फिर कोई के में नया एक्सप्रेशन या इक्वेशन बन के आएगा, वो के की वैल्यू दे देगा। इतना आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, दिस इज हाउ यू अप्रोच प्रॉब्लम्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सवाल आप 1000 सवाल लगाएंगे आपको तरीके याद हो जाएंगे, लेकिन आप हल्का सा सवाल घूमा, आपको अप्रोच पे काम करना है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। खैर आइए, अब अगर y इज इक्वल टू -1 0 है, मतलब आपका पॉलिनोमियल q -1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब दी qy जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, qy जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू -1 पे 0 है, मतलब उठाइए qy आपके पास क्या दिया हुआ है, 4y³ प्लस ky² -y -1। उठा के इसमें वैल्यू डालते हैं तो q ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 4 × -1³ प्लस k × -1² माइनस ऑफ -1 -1 इज इक्वल टू 0। अगर -1 0 था मतलब मेरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 पे 0 हो जानी चाहिए, वही इक्वेट कर रहा हूं, ठीक। -1³ -1 तो 4 × -1 -1² 1 तो k × 1 माइनस ऑफ -1 तो +1 -1 इज इक्वल टू 0। कटा, कट गया, +1 -1 ठीक, -4 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत सही, बहुत बहुत सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, इफ y इज इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरो फॉर पॉलिनोमियल क्यू वाई इज इक्वल टू फोर वाई क्यू प्लस के वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ नहीं करना है, आपको पता लग गया है कि वो एक जीरो है, आप इक्वेट कर दीजिए अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो से, उसको पुट करके उस एक्सप्रेशन में ऑन आपकी वैल्यू। ठीक, नंबर ऑफ जीरो थ्री हो जाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस वन इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो q ऑफ माइनस वन द वैल्यू ऑफ क्यू वाई एट वन इज इक्वल टू जीरो, ये इसमें की बात है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हमने तीन चार टाइप के सवाल कर लिए, ठीक, जो आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जीरोस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट है मूविंग टू रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक, बहुत ज्यादा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर का मतलब दस रुपए लेके गए बाहर, पांच रुपए की खरीद ली चॉकलेट, बचा पांच, वो हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक, वो हो गया आपका रिमाइंडर, पहले भाषा के तौर पे पढ़ लेते हैं क्या होता है। लेकिन जब मैं थ्योरम की बात करता हूँ तो थ्योरम कुछ बड़ी स्पेसिफिक बात बताता है मैथ्स में, उस बात का ख्याल कर लेना। ठीक ठीक, नाउ व्हाट रिमाइंडर थ्योरम स्टेट दैट व्हेन अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ ए। द रिमाइंडर थ्योरम एनेबल्स अस टू कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ द डिविजन ऑफ एनी पॉलिनोमियल बाई अ लीनियर पॉलिनोमियल। वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है px, ठीक, इसको आपने किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया। अभी मैं आगे आ रहा हूं लॉन्ग डिवीजन पे, घबराइएगा मत, कैसे डिवाइड कर देंगे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से सिखा रहा हूं। तो आप अगर पूरी तरीके से, जैसे मान लीजिए रिमाइंडर का मतलब, अगर मैं मान लीजिए 10 को 2 से डिवाइड करूं, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक, जीरो रिमाइंडर बचा, तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, जीरो नहीं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता 10 को, ठीक, 3 टाइम्स जाता 9, रिमाइंडर बचा 1। ये कह रहा है कि ये रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है, वो हम आपको सिखाएंगे कि रिमाइंडर क्या रहा, क्रॉस वेरीफाई कराएंगे रिमाइंडर थ्योरम को। वो ये कह रहा है कि इफ एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, कि उस पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है जिसकी डिग्री 1 है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है। तो आपका रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू पी ऑफ ए, दिस इज, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू पी ऑफ ए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये रिमाइंडर थ्योरम आपको बता रहा है। ठीक, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसमें हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सीखना पड़ेगा तभी, क्योंकि अभी हम फैक्टर थ्योरम करने वाले हैं, तो अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। फिर मैं आपको रिमाइंडर वाली पूरी बात पर, रिमाइंडर थ्योरम वाली पूरी बात वहीं से समझा दूंगा। ठीक ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, एक सवाल से ही शुरू करूंगा क्योंकि बहुत थियोरेटिकली समझाने को नहीं, करते थे ना रूट वगैरह निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड, बहुत लंबा लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल जब आप करेंगे तब लॉन्ग डिवीजन कैसे लग रहा है उसी बात कर रहे हैं। सवाल आपके सामने है, 3x माइनस 2 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 9 को मैं 3x माइनस 2 से डिवाइड करूं, लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत है? ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत है? जैसे एकदम नॉर्मल तौर से करते थे वैसे ही करेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए जब भी आप यहां पे कोई टर्म लेंगे, जैसे आप करते थे ना, लेट्स से 263 बाई 4, तो आपने 2 तो जाएगा नहीं, तो आपने 4 6 24 किया, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, 24 2 बचा 3 रिमाइंडर, फिर आपने डिवाइड किया लेट्स से 5, रिमाइंडर आपका बच गया 3। ठीक, तो अब आप इसको जिस तरीके से लिख सकते हैं, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, 263 इज इक्वल टू क्वोशेंट इनटू डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट,
और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, यही बोलते हैं ना। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, डिवीजन इज रिपीट, डिवीजन इज ऑलवेज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो अब डिवीजन किस तरीके से काम कर रहा है, तो जब भी आप किसी चीज को करेंगे ना, यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन कोई टर्म लिखेंगे, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों यहां नीचे उतरेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं, तो आप कैंसिल करने, 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27x का क्यूब आ जाएगा, सोचिए और बताइए। 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27x का क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, 3 इंटू 9 27, x इंटू एक्स स्क्वायर 27 क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18x स्क्वायर, और चूंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइन चेंज होगी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। डिवीजन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये गया आपका कट। अब प्लस और प्लस, 9 प्लस 18 वी हैव गॉट 27x स्क्वायर, अगला टर्म उतारेंगे माइनस 3x, लॉन्ग डिवीजन में आपको सिखा रहा हूं। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा एक्सप्रेशन जो है वो ये निकल कर आ जाए, आपका ये कैंसिल आउट हो जाए 27x स्क्वायर। 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27x स्क्वायर आ जाए, प्लस 9x से। ठीक, 3 इंटू 9 27, x इंटू x एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू प्लस 9 माइनस 18x, माइनस 2 इंटू प्लस 9 माइनस 18x, आपका ये गया कट, सब्ट्रैक्शन साइन चेंज होगी, ये होगा प्लस, 3 प्लस 18 मेरे ख्याल से गया, 3 प्लस 18 15x। ठीक, माइनस 3 प्लस 18 इज 15x माइनस 9, किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपका ये 15x आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करूं 15x आ जाए, 3x को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 15x आ जाएगा, 3 इंटू 5 15, x इंटू एक्स, एक्स इंटू 1 1x, माइनस 2 इंटू प्लस 5 माइनस 10, साइन चेंज होगी, ये साइन चेंज होगी, ये कट जाएगा, माइनस 9 प्लस 10 इज 1, आपका रिमाइंडर बचा 1। ठीक, सिंपल सा काम है, ये है आपका डिवाइजर, ये आपका रहा क्वेश्चन। ठीक, तो अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को रिमाइंडर थ्योरम के लॉजिक से लिखना चाहूं, ठीक, अब मैं देखिए वही करूंगा, ठीक, एक्स माइनस ए वाली बात जब हो रही थी, मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम से भी दिखा दूंगा। क्या आप देख लें, हमारे पास कोई और सवाल है अगले पे है तो, लेकिन उससे पहले ठीक है सवाल हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। ठीक, अब आप ये देख लीजिए, ये आपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का लॉन्ग डिवीजन का मेथड, ये सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट, इसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि अभी जब क्यूबिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपको आना चाहिए। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया, मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, ये था आपका डिवाइजर, ये था आपका डिविडेंड, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 आ जाए, 9x स्क्वायर 27x क्यूब प्लस 9x माइनस 18x स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 18x स्क्वायर, सब साइन चेंज होगा, माइनस कट जाएगा, प्लस और प्लस 18, 9 प्लस 18 27, 27x स्क्वायर नीचे उतरा, अगला टर्म नीचे उतरा माइनस 3x, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27x स्क्वायर आ जाएगा, 27x स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस 9 माइनस 18x, ठीक है, ये तो सब्ट्रैक्शन हुआ, साइन कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 18 15x, अगला टर्म उतारा माइनस 9, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 15x आ जाएगा, 5 से, 3 इंटू 5 15x, माइनस 2 इंटू प्लस 5 माइनस 10, बचा रिमाइंडर 1। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं, ठीक, मैं मिटा देता हूं, तो मैं बहुत बेसिक चीज उतारता, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को लिखना चाहूं, ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूं, एक बात आप ध्यान रखें, किसी भी डिविजन में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, प्लस रिमाइंडर। तो अगर कोई आप लेट्स से ये पॉलिनोमियल पी एक्स था, ठीक, ये जो आपका था ये जी एक्स था, ये भी पॉलिनोमियल है, ये जो निकल कर आया आपका क्वोशेंट पॉलिनोमियल है क्यू एक्स, और ये जो आपका निकल कर आया ये आर एक्स है, कुछ रिमाइंडर भी कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, नॉन भी हो सकता। तो अगर आप पॉलिनोमियल का डिवीजन कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं दैट डिविडेंड पी एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर जी एक्स इंटू क्यू एक्स, यही रिमाइंडर थियरम है, प्लस आर एक्स, यही रिमाइंडर थियरम का स्टेटमेंट।
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यही आपके डिविडेंड रिमाइंडर थ्योरम की बात है। ठीक, इसमें आपका बच गया रिमाइंडर, इसमें आपका बच गया रिमाइंडर वन। ठीक, इसमें आपका बच गया रिमाइंडर वन। ठीक, अगर कोई समस्या हो तो बताइए, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं व्हेन अ पॉलीनोमियल, ये सवाल मैं आपको थोड़ा सा बाद में कराऊंगा। ठीक, लेट मी कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ये सवाल इवेंचुअली आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा टू इसमें। ये एक अच्छा सवाल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स 101 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स टू द पावर 101 माइनस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स। ये है आपका पी एक्स, रिमाइंडर थ्योरम लगाइए। है ना पावर होल नंबर, दिक्कत थोड़ी पॉलिनोमियल है आपका, वो क्या है एक्स माइनस वन लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर मैं पी एक्स किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर जो है दैट विल बी इक्वल टू पॉलिनोमियल की वैल्यू एट ए। अब यहां से आप मैच कराइए एक्स माइनस ए एक्स माइनस वन, तो ए की वैल्यू क्या है वन, पी एक्स आपका क्या है एक्स वन वन हंड्रेड एंड वन माइनस वन, तो आपका रिमाइंडर बराबर कितना होना चाहिए भाई, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से आपका रिमाइंडर कितना होना चाहिए पी ऑफ ए, उठाइए ना पी ऑफ वन, डालिए ए की वैल्यू वन है, कितना हो जाएगा वन टू द पावर हंड्रेड एंड वन माइनस वन, वन टू द पावर। अब आपसे मैं ये लॉन्ग डिवीजन कह दूं आप बिना रिमाइंडर थ्योरम के नहीं कर पाएंगे रिमाइंडर, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन बहुत लंबा जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए बहुत आसान कर दे रहा है। ठीक, रिमाइंडर क्या हो जाएगा वन टू द पावर हंड्रेड एंड वन माइनस वन, वन पर दुनिया में कितना भी बड़ा पावर हो वैल्यू वन ही आएगी, दैट्स वन माइनस वन इवेंचुअली जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का ख्याल रखिए। ठीक, अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिवीजन ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टेन इज बाई एक्स प्लस थ्री लीव्स रिमाइंडर ऑफ फाइव। आपको इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू बतानी है, जब मैं इसको एक्स प्लस थ्री से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर फाइव बच रहा है, उठाइए रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोचेंगे क्या, एक सेकेंड सोचिए, लेट्स थिंक, 20 सेकेंड लीजिए, सोचिए, कॉन्सेप्चुलाइज करिए सवाल। ठीक, ये कह रहा है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x प्लस थ्री से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर फाइव बच रहा है, रिमाइंडर फाइव का इस्तेमाल करिए। आपका पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टेन, आपका जो x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल है वो है x प्लस थ्री, तो आपकी a की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस थ्री, तो a की वैल्यू क्या हो गई माइनस थ्री। ठीक, ये कह रहा है रिमाइंडर जो है फाइव बच रहा है, रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक, रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक p ऑफ a बराबर रिमाइंडर, मतलब यहां p ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू फाइव हो जानी चाहिए, उठाइए और डालिए इसमें माइनस थ्री, इक्वेट करिए फाइव से, अपने आप आ जाएगा। सो लेट्स फाइंड p ऑफ माइनस थ्री, दैट्स a इंटू माइनस थ्री का होल क्यूब प्लस नाइन इंटू माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस थ्री माइनस टेन, इसकी वैल्यू फाइव के बराबर है। ठीक, उठाया एक्स की जगह माइनस थ्री डाला, उसको फाइव से इक्वेट किया, यही रिमाइंडर थ्योरम की बात है। माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन, तो माइनस ट्वेंटी सेवन ए, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन, नाइन इंटू नाइन, ये नाइन है, ए से कंफ्यूज मत हो गया, नाइन ही है। ठीक, नाइन इंटू नाइन एटी वन, फोर इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व,
माइनस 10 बराबर 5, कैलकुलेट करिए, माइनस 27 ए, 81 माइनस 22 इज इक्वल टू 5, उधर भेजना उधर भेज दीजिए, माइनस 27 ए, 81 उधर ही भेज देते, प्लस 81 इज इक्वल टू 5 प्लस 22 27, ठीक, माइनस 27 ए इज इक्वल टू 27 माइनस 81, दिख रहा है, दिख रहा है, माइनस 27 ए इज इक्वल टू माइनस 54, ठीक, ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस तो कट गया, ए की वैल्यू 54 बाई 27, दैट इज इवेंचुअली 2। तो रिमाइंडर थ्योरम पे ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अलग तरीके के सवाल है, ठीक, ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये दो बहुत अलग तरीके के सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले सवाल में था रिमाइंडर बताइए, जब आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, दो टर्म से मत कंफ्यूज होइए, पावर बहुत बड़ा है, लॉन्ग डिवीजन में जाएंगे तो 100 बार आपको वो करना पड़ेगा। रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके आपने एक बार में बता दिया जीरो है। दूसरी बात, रिमाइंडर आपको बता दिया, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि ये कैसे हो रहा है, ए की वैल्यू क्या अननोन की, जैसे फैक्टर में यूज किया और वो सारी बातें यूज की, ठीक। एक मैं आपको सवाल करा दूं और मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का क्रॉस वेरिफिकेशन करा दूं। लेट्स से मैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले रहा हूं px, ठीक, ताकि आप कंफ्यूज मत होइए कि लॉन्ग डिवीजन में सर ने कुछ और बता दिया, लॉन्ग डिवीजन को रिमाइंडर थ्योरम से कोरिलेट नहीं किया, कर रहा हूं रिलेट, ऐसा नहीं है, जो लॉन्ग डिवीजन से किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर थ्योरम से आएगा, वो मैं आपके लिए क्रॉस वेरीफाई कर दे रहा हूं। सो px इज इक्वल टू लेट्स से x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10, और मान लीजिए मैं आई एम डिवाइडिंग दिस बाय x माइनस 2, ठीक, मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं, आइए लॉन्ग डिवीजन, ठीक, फिर मैं दोनों से आपको बता दूंगा, लॉन्ग डिवीजन करते हैं, ठीक, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं जगह, थोड़ा तेजी से काम करते हैं, साथ साथ मेरे करते जाइए, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। छोटी क्लास में आपने लॉन्ग डिवीजन पढ़ा है लेकिन कई लोग भूल जाते हैं, यहाँ ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाते वक्त बच्चे को समझ में नहीं आता, बच्चों को, कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, दिस वेरी 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 सिंपल, जैसे आप नंबर्स का डिवीजन करते वैसे x माइनस 2 से, ठीक, आप बताएंगे मुझे, मैं आपसे पूछूंगा और फिर मैं शुरू करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से, ठीक, ये होगा एक्स क्यूब, ये होगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होगी, कटा, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, उतरा अगला टर्म, ठीक, किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस x से, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस x प्लस 2x, सॉरी, ठीक, माइनस ऑफ माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये तो पता ही है ना किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन चेंज होगी, काटना है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कटा, 6 और माइनस 2 दैट्स 4x माइनस 10, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4x आ जाए, प्लस 4, 4x माइनस 8, साइन चेंज करें, ठीक, प्लस, ये कटा, रिमाइंडर बचा माइनस 2, ठीक। अब मैं आपको यही चीज रिमाइंडर थ्योरम से करके दिखा रहा हूं कि क्या रिमाइंडर माइनस 2 बच रहा है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने में। आपका px है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10, और आपका x माइनस a जो पॉलिनोमियल होता है जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो x माइनस 2 है, तो a जो है वो आपका 2 है। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से p ऑफ 2 आपका रिमाइंडर दे देना चाहिए, जरा ये चेक करते हैं p ऑफ 2 रिमाइंडर दे रहा है क्या। p ऑफ 2 क्या है, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 10, 8 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 12 माइनस 10, माइनस 12 प्लस 12 कटा, 8 माइनस 10 इज इवेंचुअली माइनस 2। क्या ये दोनों बात क्रॉस वेरीफाई हो गई कि नहीं कि पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में ये क्या होगा, क्या ये दोनों बात क्रॉस वेरीफाई हो गई कि नहीं कि पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में ये क्या होगा। दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम इज, ठीक। आप लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर निकालिए, आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालिए, दोनों में रिमाइंडर सेम आएगा, रिमाइंडर ही तो रिटर्न कर रहा है। कई सवालों में रिमाइंडर थ्योरम जो मैंने आपको अगले दोनों सवाल कराए
वहां बहुत बहुत ही शानदार तरीके से रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल हो गया। ठीक, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। आई गेस रिमाइंडर थ्योरम सबको क्लियर होगा, लॉन्ग डिविजन मेथड सबको क्लियर होगा। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, फैक्टर थ्योरम, क्योंकि अब हम फैक्टराइजेशन पे आ रहे हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे आएंगे। सो व्हाट फैक्टर थ्योरम इज बेसिकली, सो इन मैथ्स फैक्टर थ्योरम इज यूज्ड व्हेन फैक्टरिंग द पॉलीनोमियल्स कंप्लीटली। ठीक, इट इज अ थ्योरम दैट लिंक्स फैक्टर्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, इफ एफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर, then x minus a is a factor of fx if f a is equal to 0। अब ये दो बात, मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में इसको ब्रेक डाउन कर दे रहा हूं, ये दो बातें कह रहा है, दो चीजें क्रॉस लिंक कर रहा है आपस में। ठीक, कि अगर आपका पॉलिनोमियल px है, ठीक, दो बातें, अगर आपका पॉलिनोमियल px है, ठीक, एंड इफ x minus a इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा, जब मैं बोलूं कि मान लीजिए फैक्टर का मतलब समझ नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है, 2 4 का फैक्टर है, 2 पूरी तरीके से 4 को डिवाइड कर दे रहा है। फैक्टर जब भी कोई चीज होती है मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है डिवाइड करने पे, व्हिच इवेंचुअली मींस दैट x - a इज अ फैक्टर ऑफ 0, व्हिच इवेंचुअली मींस व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - a रिमाइंडर इज 0 ना, रिमाइंडर इज 0, मतलब p ऑफ a की वैल्यू 1। दूसरी बात कह रहा है, इफ पॉलिनोमियल इज px एंड इफ p ऑफ a फॉर पॉलिनोमियल px, इफ x माइनस इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो फिर आपका x माइनस a इज फैक्टर। यही दो बातें वो आपस में आपको कह रहा है, चाहे आप इसको ऐसे बोल लीजिए चाहे आप इसको ऐसे बोल लीजिए, बात सेम है कि अगर x माइनस a फैक्टर है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर 0 होगी, और अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू a पे 0 है मतलब x माइनस a फैक्टर है। ठीक, विच मीन्स इफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू a इज 0, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही पॉलिनोमियल कह रहा है, यही फैक्टर थ्योरम है। ठीक, यही आपके लिए फैक्टर थ्योरम है। ठीक, आई गेस बात क्लियर होगी। ठीक, अब मैं आपके लिए नीचे एक सवाल लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो सवाल चेक कर लेंगे हम कि आपका फैक्टर है कि नहीं। लेट्स से px आपका पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। लेट्स चेक x माइनस 1 इज अ फैक्टर नॉट। लेट्स चेक x माइनस 1 is a factor of not, factor theorem का इस्तेमाल कीजिए, p of 1 निकालिए, 1 cube minus 3 into 1 square plus 6 into 1 minus 2, तो 1 minus 3 plus 6 minus 2, that's 1 plus 6 7, minus 3 minus 2 5, 2 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो आपका x minus 1 is not a factor। ठीक, x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। एक दूसरा पॉलिनोमियल उठाते हैं, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। चेक करिए इफ x प्लस रूट 2 इज फैक्टर नॉट। अब गलती यहां क्या लोग करेंगे, आप हमेशा x माइनस a में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर x इसको आप x माइनस a से कंपेयर करेंगे तो आपकी a की वैल्यू रूट टू नहीं, a की वैल्यू माइनस रूट टू है। ये गलती मत करिएगा, बहुत लोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चेक करते हैं कि p ऑफ माइनस रूट टू 0 है, रूट टू का स्क्वायर, सॉरी माइनस रूट टू का स्क्वायर माइनस 2, दैट्स 2 माइनस 2 0, मतलब हां जी ये फैक्टर है आपका, ये आपका फैक्टर। एनसीईआरटी में बहुत सवाल है फैक्टर थ्योरम्स पर कि चेक करिए फैक्टर है कि नहीं है, वही वाली बात, 0 है तो फैक्टर होगा, अगर भाई 2 0 है तो x माइनस 2 जो है वो फैक्टर होगा। ठीक, उस बात का ख्याल रखिएगा। एक सवाल मैं आपके लिए फिर अच्छा लगा, अननोन की वैल्यू निकालने वाले सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, आपका px है
एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू ए आपसे बोल रहा है कि x माइनस टू फैक्टर है। अगर x माइनस टू फैक्टर है मतलब p ऑफ टू जीरो है। इसी फैक्ट का इस्तेमाल करिए, a की वैल्यू निकालिए, करिए जरा करिए, आइए करते। p ऑफ टू जीरो, पानी की बोतल में बोला था आप लोग लेके बैठे, लेकिन मैं तो लेके बैठा हुआ हूं। ठीक, p ऑफ टू जीरो रखते हैं। p ऑफ टू कितना होगा, टू का स्क्वायर माइनस सेवन इंटू टू प्लस टू इंटू ए, एक्स की जगह डालिएगा, ए की जगह मत डाल दीजिएगा, ठीक है, ये जीरो। ठीक, p ऑफ टू जीरो, फोर माइनस फोर्टीन प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस टेन प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो, टू ए इज इक्वल टू टेन, ए की वैल्यू फाइव। तो मैंने अननोन पे आपको सही रिमाइंडर वाले सवाल में अननोन कराया, आपसे जीरो वाले सवाल में अननोन कराया, फैक्टर वाले सवाल में अननोन कराया, ये सवाल आ सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कि ये फैक्टर है मतलब जीरो है, ठीक है, ऊपर हमने चेक कर लिया कि ये फैक्टर है कि नहीं, चेकिंग वेदर फैक्टर और नॉट। और तो भाई गाइस, हमने रिमाइंडर थ्योरम कर लिया, हमने फैक्टर थ्योरम कर लिया, हमने कई आज इंपॉर्टेंट चीजें की हैं। मैं एक ओवरव्यू तुरंत, और फिर हम अगले पार्ट में व्हाट विल बी स्टार्टिंग इस फैक्टराइजेशन वाला हिस्सा, जो जो चीजें हम लोगों ने की हैं आज वो हम देख लेते हैं। ठीक, सो लेट्स बिगिन विद दिस। हमने वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल किया, सबसे पहली चीज सीखा, एक रिकैप, क्विकली रिकैप, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल किया। ठीक, फिर हमने बताया कि अगर आप उसमें उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू डाल दें आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दे देगा। दो सवाल उठाए, बहुत अच्छे सवाल दोनों, एक रूट का सवाल भी उठाया था। ठीक, फिर हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में आए, क्या मतलब होता है ग्राफिकली, क्या मतलब होता है मैथमेटिकली, मैंने आपको बताया। फिर हमने कई सवाल लिए जीरोज पर, जहां हमने लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पर सवाल, अननोन की वैल्यू निकालने की कोशिश की, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर हमने रिमाइंडर थियरम समझा, शब्दों में रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फिर इसको मैथमेटिकली कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो सीखा। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, अगले पार्ट में फैक्टराइजेशन कराऊंगा, आपको बात नहीं समझ आएगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, वो बात ध्यान रखिएगा, लॉन्ग डिवीजन पे सवाल प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, फिर ये एक सवाल हमने बीच में किया नहीं, ठीक है, आप ऊपर वाले, क्योंकि अभी आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अननोन होगा। ठीक, वरना मैं आपको समझाया था, कोई दिक्कत नहीं है कि x इज इक्वल टू माइनस वन पे वो फाइव रिमाइंडर छोड़ रहा है x प्लस वन पे। आपको ये सवाल आप नोट कर लिए, चलिए आप ये सवाल होमवर्क में नोट करिए, और अगली बार हम पहले सवाल इसी से शुरू करेंगे। ठीक, आई गेस सबको सवाल दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूं। ये कह रहा है कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। आपसे कह रहा है कि वेन इट इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, तो ये सॉरी एक्स माइनस वन, तो ये रिमाइंडर फाइव छोड़ रहा है, और आपसे कह रहा है कि एक्स माइनस एक्स प्लस वन से जब डिवाइड हो रहा है तो ये रिमाइंडर नाइनटीन छोड़ रहा है। ठीक, नाइनटीन छोड़ रहा है, तब आपसे पूछ रहा है कि अगर इसके बाद, अगर जब मैं एक्स माइनस टू से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, चलिए लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, आपको हिंट दे रहा हूं, आपको ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आप कैसे निकालेंगे इस बात का आपको सोचना है। ठीक, फिर हम लोगों ने किया फिर हम लोगों ने लॉन्ग डिविजन और रिमाइंडर थियरम को क्रॉस वेरीफाई किया, क्या ये होल्ड करता है, दो बहुत अच्छे सवाल रिमाइंडर थियरम पे, स्किप मत कीजिएगा। फैक्टर थियरम दो मतलब क्या होते हैं, कब फैक्टर थियरम एक्स माइनस ए फैक्टर होगा क्या मतलब होगा, और अगर पी ऑफ ए जीरो हो गया तो क्या मतलब होगा, फिर फैक्टर थ्योरम पे दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। अगली चीज जो है वो है फैक्टराइजेशन, लेकिन इसकी शुरुआत हम करेंगे अगले पार्ट में क्योंकि आपके लिए मैं चाहता नहीं हूं बहुत बड़ी हो जाए वीडियो। आराम से देखिए, उठाइएगा एनसीईआरटी, लगाइएगा सवाल एनसीईआरटी के जहां तक लगा सकते हैं, फैक्टर थ्योरम तक के जितने सवाल होंगे वहां लगा लीजिएगा। मेरे ख्याल से 2.3 एनसीईआरटी में 2.1 2.1, 2.2 और 2.3 के कुछ सवाल
एक्सेप्ट फैक्टराइजेशन आप लगा सकते हैं, ये सवाल आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगली बार में पहले आपको एनसीईआरटी के सवाल ही पेज खोल के दिखाऊंगा कि ये तो ऐसे ऐसे तुरंत हो जाएगा, वो बात हम कर लेंगे। अच्छे से देखिए वीडियो, बहुत डिटेल में बहुत अलग अलग तरीके के सवालों के साथ आपको समझाया गया है। उम्मीद यही करता हूं कि आपको समझ में आई होगी बात। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली और बहुत फोकस के साथ। विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आज ये लेक्चर पहुंच जाएगा, और इवेंचुअली आपके पास ये जब ये लेक्चर पहुंचेगा इनफैक्ट, तो उसके अगले दिन आपके पास पार्ट 3 पहुंच जाएगा। ठीक, सो विल बी डूइंग दैट। और पढ़ते रहिए, मजे करिए, फेस्टिवल्स का टाइम है, मजे भी करिए, पढ़ते भी रहिए, क्योंकि हाफ ईयरली सर पर है। हम एक भी नंबर गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बेयर दैट। ठीक, सो दिस फॉर यू समर्थ सर, अब आपसे विदा लेते हुए, और मिलेंगे आपसे पॉलीनोमियल्स के पार्ट 3 पर। आपके पास फिजिक्स का भी एक लेक्चर आएगा। प्लीज एज मच एज यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब, सारे फीडबैक दीजिए। कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बोलने में कोई दिक्कत हो, ऑडियो के तौर पर कोई दिक्कत हो, एवरी फीडबैक इज वेरी वेरी वेलकम, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ फॉर राइट नाउ, विल मीट यू इन पार्ट 3। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।